तो जी वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग और एडवांस एक्सेल दोनों कोर्स को यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वीरेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करूँगा हमारी इस क्लासेज में। थैंक यू सर, देखिए, थैंक मेरे यू। पास दो तरह की क्लासेज है। एक है हमारा लाइव सेशन, जो कि अभी आप जूम के जरिए ले रहे हैं, आप अकेले हैं या आपके साथ एक दो और स्टूडेंट हो सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेज होगी, हर दिन 45 मिनट से 1 घंटा हम आपको पढ़ाएंगे और हर एक चीज आपको समझाएंगे। तो क्या क्या कवर होगा, तो इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, तो उस पीडीएफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो पीडीएफ हमारा है वो है हमारा एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। तो दो कोर्स है, पहला है एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, दूसरा है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, राइट सर। तो जैसे कि एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला का मतलब हुआ कि एक्सेल के अंदर जो इनबिल्ट फीचर है, जो होम में, इंसर्ट में, पेज लेआउट में, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, इस समय जो चीजें हैं, इसके हर एक फीचर को हम बेसिक टू एडवांस, और जो एक्सेल फॉर्मूले, जैसे मैंने एक इफ का नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लगा रखा है, इस तरह के फॉर्मूले जो कि 300 से ऊपर होंगे वो हम आपको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिटेल दिया गया है इसमें हर एक चीज। मैंने डेटा हैंडलिंग, इसमें पिवट टेबल, एडवांस पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल, कैलकुलेशन, एडवांस फॉर्मूला, डेटाबेस कनेक्टिविटी, पावर क्यूरी और रिपोर्ट्स बनाना। रिपोर्ट किस तरह की बनाना, जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट बनाई है, आप देख सकते हैं जो रिपोर्ट आपको दिख रहा है, इस तरह के रिपोर्ट्स को बनाना। इसमें डेटा है, डेटा अपडेट होते हैं हमारा रिपोर्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, और इसके लिए हमने केपीआई यूज किया है, और इसके लिए कोई वीवीए प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ओके, हाँ सर। सर ये पूछना चाहता था कि ये प्रोग्राम, ये कोर्स करने के बाद मुझे किस टाइप से मतलब जॉब मैं का आपको करना सब चीज़ पे पड़ेगा। आता हूँ, सब समझाता हूँ वन बाय वन। तो जी एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, अब इसी में दूसरा कोर्स हमारा है वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्राम। अब वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो इसमें हम आपको कोडिंग सिखाएंगे। ये जो कोडिंग दिख रहा है ना, एक कोडिंग सिखाएंगे। इसमें आप बना जी सकते हैं अपने लिए ऑटोमेशन। जैसे मान लीजिए आपको 100 लोगों को मेल करना होता है, आप डेली मेल जी क्रिएट करते हैं या भेजते हैं। आप जो जी है मेल का पूरा मैसेज प्लेटफॉर्म, मान लीजिए 100 लोगों को या 200 लोगों को आप उनका कमीशन का पीडीएफ या उनका बिल इनवाइसेज भेजना है, हर किसी का अलग अलग इनवाइसेज है, तो उसको आप ऑटोमेटिकली भेज सकते हैं। एक बटन पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली सबको उसका पीडीएफ चला जाएगा। आपके पास एक फोल्डर में 500 से ऊपर फाइलें हैं, सारा फाइल का डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कुलेट करना है। एक बटन क्लिक करते हैं, सारा कुलेट हो जाएगा। आपका कोई रिपोर्ट है, उसका डेटा अपडेट करके रिपोर्ट बनानी है, एक बटन में क्लिक कीजिए, आपका रिपोर्ट बन जाएगा। इस तरह की फीचर्स हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में करके दिखाते हैं। लेकिन वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग कोड के जरिए आपके एक्सेल के जो फीचर्स है ना, उसी को ट्रिगर करता है, इसलिए एक्सेल की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, राइट सर। अब हाँ बात सर। करते हैं कि इसकी इसका क्या बेनिफिट्स क्या है, क्या कर पाएंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले बता दूं कि ये आप ऑफिस में जब काम करेंगे तो आपके पास एक्सेल की नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर एक्सेल की नॉलेज नहीं है तो मुश्किल होगा, क्योंकि एक्सेल जो है, सब जितने भी कंपनीज है, सारे कंपनीज में है, बगैर एक्सेल के काम नहीं कर सकते। तो एडवांस एक्सेल तो होना चाहिए। एडवांस एक्सेल नहीं है तो दिक्कत क्या होगा, काम करने में दिक्कत होगी। अब आपका काम अगर थोड़ा बहुत है तो एडवांस एक्सेल से वर्क हो जाएगा, लेकिन आपके पास काफी ज्यादा कंपनी, काफी ज्यादा काम है, काफी ज्यादा रिपोर्ट्स हैं, तो फिर आपको वी ऑटोमेशन करने के लिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप एक्सेल और एमआईएस सीख जाते हैं तो मोस्टली आपका जो होता है एमआईएस एग्जीक्यूटिव जो होता है उसमें जॉब पर मिलता है, बैक ऑफिस में। यही नहीं कहेंगे, जहां भी आप रिपोर्ट जैसा वर्ड वर्ड यूज होता है, जहां आपको रिपोर्ट बनानी होती है, चाहे वो आपका एनालिटिक्स में हो, कोऑर्डिनेटर में हो, एनालिटिक्स में हो, ये सब चीजों में यूज होता है, और इसके लिए आपको एडवांस एक्सेल की चीजें होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, एमआईएस है, रिक्स फिन कनेक्ट है, 1 से 3 साल का है, बैंगलोर में जॉब है। क्या क्या चाहिए, एडवांस एक्सेल, वी लुकअप, पिवट, अकाउंटिंग, पाउचर एंट्री और मैक्रोज। मैक्रोज वही है जो कि वीवीए प्रोग्रामिंग है। इसमें देखिए क्या है, एम आई एस क्या है, इसमें इसके अंदर भी नॉलेज होनी चाहिए आपका,
इसके अंदर कि क्या क्या नॉलेज चाहिए ये चीजें देख सकते हैं। तो आपको किस तरह का चीजें चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं चाहिए, वो चीजें आपको जो है कौन बताएगा, Nokia.com। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जो हमारी कोर्स है वो डिपेंडिंग है MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन के ऊपर। MIS रिपोर्ट के कोई भी ऑटोमेशन कोर्स को आप कर सकते हैं, इस कोर्स के बाद कर सकते हैं। सैलरी की बात रही तो कंपनी टू कंपनी, सिटी टू सिटी है, लेकिन एवरेज 15 से 30 हज़ार के आसपास आपको मिल जाता है। वो आपके एक्सपीरियंस, नॉलेज, कंपनी और बाकी चीज़ों पर डिस्कस करता है। मैं कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जनरली इतना मिल जाता है। और हाँ सर, आप वो तो मैं समझ, इसकी जो वैकेंसीज है हर जगह पे, और आप इसको सीखने के बाद अभी जो रिपोर्ट बना के बताया था ना, इस तरह की रिपोर्ट बनाना एलिजिबल हो जाएंगे। ये रिपोर्ट आप इजीली बना लेंगे, ओके सर। ठीक है सर? तो जैसे कि सर एक सवाल पूछना है, पूछे। पूछूं सर? जैसे ये जो फाइनेंस कंपनियां होती है, टाटा, IDFC, HDFC, ये सब एक्सिस का, तो यहाँ पे जॉब का चांसेस रहेगा सर? क्योंकि मैं अभी एक प्राइवेट फर्म है, HDB फाइनेंस, के बारे में आप सुने होंगे सर। तो मैं अभी रिसेंटली वहाँ ज्वाइन किया हूँ, तो मेरा काम तो है फाइनेंस प्रोसेस करना, चेक करना कस्टमर एलिजिबल है कि नहीं, और फिर उसके EMI के जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको प्रोसेस करने का मेरे को भी काम मिला है। और मैं हूँ तो BTEC 2015 पास आउट हूँ, और गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा था, तो एक एक दो दो मार्क छूटा हूँ हमेशा। तो मैं कोशिश करता गया करता गया, लेकिन वही हुआ हमेशा, या क्लियर हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं हुआ। हाँ सर, गवर्नमेंट नौकरी के सजेशन मैं किसी को देता ही नहीं सर पहले। तो सर हुआ ये कि मेरे ना बहुत सारा टाइम ना मेरा वेस्ट हो गया, 4-5 साल से देखिए ज्यादा यार, ही जैसे वेस्ट हो कि गया। आपको मैं समझ पा रहा हूँ ना, आपके लिए MIS का ही अच्छा है, क्योंकि अभी आप कोई टेक्निकल कोर्स नहीं कर सकते, जैसे कि BTEC MTEC वगैरह करके आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपका एज भी लगभग हो गया है और काफ़ी टाइम से आप है, और आपका मॉरल भी थोड़ा नीचे है, वो जोश नहीं है हाँ जैसे सर, पहले जोश था, क्योंकि आप हाँ इतने फेलियर का सर, सामना किए हैं कि वो आपका जोश खत्म हो गया है, क्या सर? हाँ सर, बात नहीं दूसरी सर, मैं चीज, कह रहा अपना दूसरी से चीज ये हुआ कि अभी आपको तुरंत अपना ग्रोथ की जरूरत है, ताकि आप अपनी फैन अपना जो लाइफ है उसको ट्रैक पे ला सके। तो हाँ, आउट ऑफ ट्रैक है अभी लाइफ। अभी आप लोग आप अभी आउट ऑफ ट्रैक है, राइट? अभी जो आप हाँ सर, फाइनेंस का हाँ। काम करें, डॉक्यूमेंट प्रोसेस का काम करें, इसमें एक्सेल का ज्यादा रोल नहीं है, या बस डेटा सर अपडेट वो पूरा तो करना का रोल होगा, कुछ ज्यादा रोल नहीं होगा। सर, बस अभी तो फिलहाल एक सैलरी आने स्टार्ट हो जाए, मैं ये सोचा हूँ। बाकी क्या है ना, मैं अपना क्योंकि जो सैलरी काम छोड़ नहीं आप पा कर रहा रहे हूँ। हैं, मैं 2004 में ये काम कर चुका हूँ सिटी फाइनेंस के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो सर अगर ये मैं अगर अपना स्किल डेवलप करता हूँ, तो ऐसी दूसरी कंपनी में स्विच करूंगा तो पोजीशन चेंज जी होने के जी चांसेस आप ज्यादा किसी रहेंगे। किसी देखिए, आपके क्या आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 2 ढाई साल, 3 साल मान के चलिए, आपको टाइम लगेगा एक अच्छे पोजीशन पे आने पे। मैं आपको सपना नहीं दिखा रहा हूँ बाकी इंस्टीट्यूट की तरह कि हाँ आप मेरा कोर्स खत्म करो, यू हैव गेट द मैनेजर, गेट द हैंडसम पैकेज, ये सब चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ आपको। हाँ एडवांस सर, आपके लिए सबसे पहला जो है आपको एक कोर्स है, आप प्रोग्रामिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, वो आपको भी समझ में नहीं आएगा, राइट? हाँ अभी सर, आप चलिए एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, एक कोर्स पे आप चलिए। जी इस कोर्स को करने के बाद आप जो है असिस्टेंट लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल, असिस्टेंट लेवल पे आपको जॉब मिल जाएगी। थोड़ा सा धक्के खाने ओके पड़ेंगे, बट हाँ मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिन लगेगा, महीना 2-3 महीने के अंदर आप 20-25-30 इंटरव्यू फेस करेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसा भी नहीं करोगे आप पहले कंपनी में जाएगा आपको इंटरव्यू, आपका जॉब लग जाएगी, हाँ, लेकिन आपको 2-3 महीना धक्का खाना पड़ेगा। हाँ सर, ये बोल रहा था कि जैसे मेरा जो शहर है, मेरा शहर है बिलासपुर, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर तो बहुत कंपनी तो है बहुत सारी, बस ये है कि अपॉर्चुनिटीज पता नहीं चल पाती है, तो इसीलिए जब मैं देखिए जॉब प्राइवेट जॉब इसलिए पकड़ मैं आपको जॉब सर्च करने का तरीका बताऊंगा कि सर्च करने का तरीका क्या है, और मैं तो बोलूँगा कि भोपाल वगैरह में आप अपना तैयारी मत, अपना टाइम मत दीजिए, आप जो है आप वापस आइए दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई, नोएडा, इस जगहों पे आइए जहाँ पे आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे MNCs कंपनियाँ बहुत सारी है, खासकर बैंगलोर तो अभी उभर रहा है, गुड़गांव तो पीछे हो गया थोड़ा सा, नोएडा गुड़गांव। तो सर, इसे फैमिली ऐसी है ना सर, कंपनी में क्या है, तो कुछ आपको जो है तुरंत स्टार्टअप मिल जाए, आपको स्ट्रगल ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, राइट सर? अब एक कंपनी से दूसरे कंपनी, तीसरे कंपनी पे चले जाएंगे, एक एक रिप्यूटेड जगह पे, एक मतलब कि आप स्टेबल हो जाएंगे, दैट
देन आप अपने होम टाउन के कंपनीज में आप जो है अपना इंटरव्यू अगर डालें और आप जो है वहाँ पे बैक हो सकते हैं तो बेटर रहे। आप सोचें कि मैं होम टाउन में तैयारी करूँ, होम टाउन से करूँ, तो थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि वहाँ पे कंपनी है कम, लोगों की संख्या है ज़्यादा, वैकेंसीज है कम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉम्पिटिशन है ज़्यादा। हाँ सर, आप जाके बोलिए कि मैं 10,000 में मुझे सैलरी चाहिए, आपके बाद कोई जाके बोलेगा मैं 8,000 में ही कर लूँगा। वो हिसाब जोड़ेगा, यार मैं गुड़गांव रहूंगा, मुझे 20,000 रुपया मिलेंगे, 5,000 रूम रेंट चला जाएगा, खाने पीने में बच के आएगा 5,000 रुपया। उससे अच्छा है कि मैं 8,000 यहीं घर पे कमा लूँ, पूरा पूरा 8,000 बचेगा, घर से घर का खाऊंगा, घर से ऑफिस जाऊंगा आऊंगा। समझ रहे हैं ना बात हाँ को सर, सर? वो तो आती चली। क्योंकि सर इस तरह की चीजें मैं 14 सालों से फेस कर रहा हूँ सर, इसलिए मुझे पता हाँ है। तो सर, आप जो समझ रहा हूँ सर। स्टार्ट दिक्कत होता है कि आपके ऊपर से जो फ्रेशर का डब्बा है ना, वो डब्बा फ्रेशर का डब्बा हट जाएगा तो हाँ कोई भी सर, हाँ। कंपनी आपको रखना चाहे। बात ये समझ बात रहे? तो है सर, सही है। हाँ सर, ये बात तो है हाँ, तो पहले आप सर। अपना जैसे स्किल्स डेवलप करें, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं रख लेगी। आपने ग्रेजुएशन में भले ही आप टॉप किए हो अपने यूनिवर्सिटी में, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है। कोई कंपनी आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा थोड़ी पढ़ाई करवाएगी। बोलेगी आ जाओ भैया, तुमको तुम्हारा अल्जेब्रा बहुत अच्छा है, बताओ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, उसमें से क्या लेना देना है। उसको तो उसकी प्रोडक्टिविटी चाहिए। जैसे अभी आप अभी डॉक्यूमेंट क्रिएशन में हैं, तो उसके पास जितने भी लोग लोन का फॉर्म भर रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। चाहे 10th पास कर रहा हो चाहे ग्रेजुएट कर रहा हो, उसे क्या लेना देना है उसको? क्या कोई फर्क नहीं। तो सेम थिंग कंपनी में होता है कि आपके पास वर्किंग स्किल्स क्या है, मतलब कि काम करने की जो चीज़ें हैं उसकी क्या है। तो एक्सेल एक अच्छा चीज़ है जिससे आप चल सकते हैं, क्योंकि ये एक एक छोटा सा छोटी टाइम पीरियड में है, और ये इसमें सीखने में ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है कि इस पे जॉब बहुत ईजिली अवेलेबल है, इसलिए मैं चाहूँगा इस कोर्स को करें। अब इस कोर्स को कर रहे हैं तो इसमें हम बात करते हैं करने का मीडियम क्या है। दो मीडियम मेरे पास अवेलेबल है। पहला है कि जूम क्लास, ऑनलाइन यस मेरे साथ सर, साथ ही बातचीत कर रहे हैं, दिस इज द जूम क्लासेस, राइट सर? हाँ। डेली बेसिस पे मेरे साथ आ सकते हैं, मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो ये डेली मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सुबह शाम दो बार जब आपकी फ्री टाइम हो और मेरा स्लॉट खाली हो, एक एक बुक करके ले सकते हैं। आप अकेले भी हो सकते हैं, आपके साथ दो तीन लोग हो भी सकते हैं, बट ये पूरी इंटरेक्टिव होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज कर दीजिए, मैं जब पढ़ूंगा तो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। यू कैन आस्क मी एट अ टाइम, क्योंकि आप लाइव है, आपका माइक अनम्यूट है। लेकिन इसमें थोड़ी ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ये आपको 2,500 का पड़ेगा, और डेली बेसिस पे क्लास होगी 3 साढ़े 3 माने कि 35 से 40 45 घंटे के आसपास हम आपको देंगे, राइट सर? लेकिन सर आपके जो पास अभी टाइम की किल्लत है और थोड़ा सा बजट टाइट है, तो मेरे लिए मेरा ऐप कोर्स जो है, आपको प्ले स्टोर पे आपको जाना है, प्ले स्टोर पे एक्सेल एमआई स्टडी जो आपने डाउनलोड किया है, इसी के अंदर मेरा हाँ सर, एक कोर्स है। आप इसके स्टोर में जाएंगे ना सर, मैं इस पर वेब व्यू देख हाँ रहा हूँ, इस सिस्टम पे इसको चला सकते हैं आप। ये एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला दिख रहा है सर, हाँ एक सेम कोर्स है बट रिकॉर्डेड फॉर्म में। इसमें हमने सारे वीडियोज इसमें डाले हुए हैं, सैम्पल फाइल डाला हुआ है सिक्वेंसली। जैसे कि यहाँ पे नंबर वन, मतलब पहले आपको ये दो वीडियो को देखना है, फिर नंबर वन देखना है, इसके अंदर सारे वीडियोज नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री इसको देखना है, इसके आर्टिकल्स को पढ़ना है, इसके दी गई फाइल्स पे जाके प्रैक्टिस करनी है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको हम फोन पे सपोर्ट कर देंगे। अब इस कोर्स की जो प्राइस है, इस कोर्स की प्राइस आपको पड़ेगी 2,999। इसको आप 1,000 की लमसम इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, ये ऑल MIS ऑल कोर्स कैसा रहेगा सर? ऑल कोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी बात कर रहे हैं आप? सर जो 6,000 का है जो, हाँ, ये भी आप ले सकते हैं, इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है। इसमें एक्सेल भी है, वीवीए भी है, पावर बीआई भी है, डैशबोर्ड भी है, एक सब चीज़ें ये भी ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको फिलहाल इसकी ज़रूरत है, इसको करने के बाद ही आपको कुछ और करना है,
ठीक है। तो सर वैसी, तो सर जिसमें तो एडवांस एक्सेल ही पहला चैप्टर रहेगा। हाँ इसमें भी एडवांस एक्सेल इंक्लूड है जो मैं बाहर दिया हुआ। हाँ, तो अब वीबीए और एक्सेल तो दोनों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो अलग-अलग, अच्छा आपका कहना है कि मैं एक्सेल और वीबीए बस कर लूँ, जी हाँ, और तो देखिए सर आपकी अभी एसक्यूएल जैसे वगैरह का प्लान, जरूर। आपकी जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने बताया कि आपको क्या होना चाहिए। ठीक है, समझ गए।